शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भैया। पानी भी साथ में दिए, ठंडा ठंडा पानी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो हमारा स्नान वगैरह हो गया क्योंकि कल हमारा फास्ट था, तो मुझे लग गई थी भूख, तो सुबह सुबह जल्दी हो गया हमारा स्नान। और उसके बाद सुबह पांडे जी इनको बोले आज मुझे फ्रूट नहीं खाना है, फ्रूट खाने का मेरा मन नहीं है। पांडे जी ने सुबह सुबह बोले कि फ्रूट ही खाना है। तो सुबह सुबह पांडे जी ने फ्रूट ही पकड़ा दिया मुझे कि वही खाना है। उसके बाद फिर मैं खाई थी रोटी, चावल की रोटी, जो बहुत ज्यादा सबकी फेवरेट है। तो बनाया था हमने चावल की रोटी। ऐसे पांडे जी का व्रत था, आज मंगलवार है उनका, तो मुझे याद भी नहीं रहा, मैंने रोटी भी ज्यादा बना ली। तो कोई नहीं, रात में हो जाएगा। तो रोटी ऐसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं चावल की रोटी। तो चावल की ये जो रोटियाँ होती है ना चावल की, बहुत ही अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ। तो ये बनी है चावल की रोटियाँ, और मैं दिखाऊंगी आपको। कल हमारे घर में लेके आए थे चावल का आटा, बाजरे का आटा और ज्वार का आटा, तीनों आटा आया है। बोले चावल की रोटी मैंने एक खा ली, मुझे संतोष नहीं हुआ उससे। मुझे लगा थोड़ा सा चावल तो बनाऊंगी, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा चावल का। पूरा दिन नमक खा मत ना खाओ, दूसरे दिन तो लगता है ना कि थोड़ा सा कुछ अच्छा सा खाएं। तो ये थोड़ी सी सब्जी मुझे खाना है बच्चों को, और एक टमाटर एक प्याज डाल दूंगी। ये था चावल का आटा जो पांडे जी लेके आए थे, ये चावल का आटा। अब ये दोनों में से ज्वार और बाजरा कौन है पता नहीं, मुझे लगता है ज्वार के आटे ही है। अब बहुत अच्छा ताजा फ्रेश है बिल्कुल। धूप भी दिखा दूंगी आटे में थोड़ा सा, और छान के रख दूंगी अच्छे से। अभी मैं कट कर लेती हूँ प्याज। पांडे जी चले गए स्नान करने और बच्चों का हो रहा है ऑनलाइन क्लास। तो फ्रेंड मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल तेल, बहुत ही थोड़ा सा डाल रही हूँ, और हींग पचफूरन डालूंगी, लहसुन और अदरक डाल दूंगी, प्याज। डब्बा मंगवाया था बेटा किचन का मैंने, और इसी में मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर थोड़ा सा, बाद नमक डालूंगी। थोड़ा सा नमक इसके साथ मैं डाल दूंगी लौकी और टमाटर दोनों। और पानी डाल के इसको कवर कर देती हूँ। सेट नहीं करूंगी कुकर, बस ऐसे ढक करके इसको पकाऊंगी और बहुत अच्छा पक जाएगा। लौकी की सब्जी जो बनती है ना मलाई डाल के भी बहुत अच्छी बनती है, मलाई डाल के बहुत बना हमने। चलिए अब चलते हैं जल से बाहर, अभी इसको होने में टाइम लगेगा, फिर मैं दिखाऊंगी आपको मेरा सब्जी कैसा बना। देखिए अभी हमने पानी डाल के इसको छोड़ दिया सब कुछ, नमक सारे कुछ डाल के, थोड़ी देर में दिखाते हैं कैसा बना। पांडे जी का पूजा हो रहा है और आर्यन का क्लास हो रहा है, और परी देखिए क्या हो गया, परी को क्या हुआ लैपटॉप में, ये देखिए। तो परी देख रहे हैं लैपटॉप को एसी के पास रखी है क्योंकि गर्म हो गया। तो परी और आर्यन का भी स्नान नहीं हुआ क्योंकि कल के ही ड्रेस में आपने देखा इन दोनों को। सुबह उठ के जल्दी से हो जाता है ब्रश करके बच्चों को बैठना, और आर्यन तो सब कुछ रात में ही सेट करके रख लेता है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कॉटन में मेरा मच्छरदानी रखा हुआ है, तो बिना मच्छरदानी लगाए नहीं सोए, मच्छरदानी लगाते ही हैं, अच्छा रहता है। मच्छरदानी लगा दूँगा तो अच्छा रहता है, ऑल आउट का बचत होता है, नहीं तो बाकी बाबू इतना ऑल आउट जलाई हूँ मैं, इतना जलाई हूँ कि पूछिए मत, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे हो रहा है अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग मैं नहीं करती हूँ, ये आर्यन ही करते हैं, कुछ भी आया हो
वो आर्यन करेगा, नहीं तो परी करेगी। और पीछे इग्नोर कीजिएगा, इधर जो है ना टॉवेल लटक रहे, क्या करें घर में जहाँ जैसे जगह रहता है वहीं ना रखूंगी। बेटो चक्कू लेके आते थे, डर लगने लग जाएगा। नया ये अनबॉक्सिंग मैंने दिखाया ही नहीं, सारे मैंने डिलीट कर दिए। इस तरह का नाइफ मैंने 3 लिया था, देखिए ये भी न्यू मैंने लिया था, बहुत अच्छा है, हार्ड है। अच्छा, और हाथ भी कट गई मेरी। हाँ बेटा, तो ये देखिए फ्रेंड, ये है डब्बे। मैं तो सोची पता नहीं, उस मोबाइल में तो छोटा छोटा डब्बा देख रहा था, मुझे लगा बहुत छोटा डब्बा है। ये देखिए, अब मुझे इसी साइज में चाहिए था, इतना बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 पीस और मैं मंगवाऊंगी, मुझे 2 चाहिए। और चावल का रोटी, बहुत अच्छा डब्बा है। इस तरह का और 2 डब्बे मैं आज के आज ही मंगवाऊंगी। मैं रेट क्या है, रेट तो नहीं पता, क्योंकि ये तो पांडे जी करते हैं ना, तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा। किचन में ना अच्छे से थोड़ा सा सजा के अच्छे से हर चीज रख दो तो अच्छा लगता है किचन में। मैंने पांडे जी से कहा, पांडे जी हमें मंगा दीजिए, ये डब्बे मैं फेंकूंगी नहीं, यहाँ के बाद वहाँ भी जाऊंगी, नए घर में भी शिफ्ट करूंगी, तो इसको मैं यूज करूंगी। तो मुझे मंगा दीजिए। क्या होता है ना कि किचन को थोड़ा सा अच्छे से सजा के सुखा दूंगी, दूंगी उसके बाद रखूंगी। मैंने इसलिए ये किया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, साफ करने में भी आसानी होगी। तो ये रही मम्मा और धुल रही है डब्बे को, सूख जाए फिर फ्रेंड हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हाँ जी मैडम, ये क्या हो रहा है, चुप चुप के आप कहाँ से आ रहे हैं? ये सही है भाई, एक दिन, एक महीने में एक दिन दो दिन खा। ये तो गलत बात है, आज मेरा व्रत है। हाँ। मैडम देखिए, पकौड़े तल रही है, ये क्या क्या, क्या डाला है इसमें, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। ये धनिया पत्ता है और हरी अदरक, हरी मिर्च। तो अगर आपको भी वजन कम करना हो तो ऐसे पकौड़े तल तल के खाइए। क्या पांडे जी, क्यों मजाक बना रहे हैं मेरा? तो देख रहे हैं फ्रेंड, देखे कैसे पकौड़े, वजन कम करना है तो पकौड़े तल के खाइए। अब इतना भी क्या है कि मैं पकौड़े भी ना खाऊं, वजन कम करने के चक्कर में पकौड़े खाना छोड़ दूं, आप ही बताइए। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? तो सो गए थे, सो के उठे, फिर पांडे जी आ गए। पांडे जी गए थे सदर बाजार, एक वीडियो क्लिप था पांडे जी का जो शूट किया वो डिलीट हो गया था। ओट्स लेके आए हैं, देख रही हूँ, ओट्स, एक पैकेट दही और पनीर लेके आए थे। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ग्रीन पत्ते का जूस, बिल्कुल ग्रीन जूस। सबसे पहले ये तुलसी का पत्ता है, आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, ये डाल दीजिए। उसके बाद ये क्या चीज का पत्ता बोलते हैं, गिलोई, हाँ ये गिलोई का पत्ता है, ये काफी अच्छा होता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये एक डाला है। इसके बाद ये थोड़ा सा हमने आंवला, एक पीस आंवला डाल दिया है। और इसके बाद ये पान के पत्ते हैं, ये भी लगभग हर जगह मिल ही जाते हैं आपको, आसपास से पान की दुकान से ले आएंगे, एक दिन तो 8 दिन 10 दिन चलेगा आसानी से, तो ये एक डाल दिया। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसमें ये लौकी डाल रहे हैं, जो अब सब्जी बनती है लौकी की, वो डाल रहे हैं इसमें। अगर आपके पास में पेठा वाला लौकी है जो व्हाइट वाला होता है तो वो डाल दीजिए। ये थोड़ा सा है इसमें ये पालक, पालक के पत्ते डाल दीजिए। इसके बाद ये है धनिया के पत्ते, और ये मेरा सूख गया है थोड़ा सा, तो ये मैं डाल रहा हूँ, ये पुदीना की पत्ती है। तो बस इतना हमने सिर्फ डाला है, और इसका हम आसानी से मिक्सी में भी या जूसर में जैसे चाहे आप जूस इसका तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास, क्योंकि मुझे पीना नहीं है अभी, मैडम के लिए से बन रहा है ये, और इसको बंद कर दिया। तो इसी में थोड़ा सा डाल देते हैं, नींबू हम नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने आंवला डाल रखा है, अगर आंवला नहीं हो
तो आप नींबू डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। मैंने बड़ा वाला छन्नी ऑर्डर किया है, तो वो जब छन्नी जब तक नहीं आ जाता हमारा, तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। जूसर में ना बड़ा झंझट है निकालने में, क्या बताऊं। जूसर में ठीक से निकलता भी नहीं है वो वाले में जो हमारे पास है ना मिक्सी के साथ में, तो इस तरह से कुछ डालते जाएंगे। इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए संडो गंजी पहन लेते हैं पसीना से। और मैंने इनसे कहा था ज्यादा मत बनाइएगा, ये एक कप बनाइएगा, इन्होंने देखिए कितना आप पियो आधा। इनको किसी ने बता दिया है, अब ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं एक्सपेरिमेंट कहाँ करूँगा आपके ऊपर। पिज़्ज़ा 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 तो हम मिठाई खिलाएंगे बहुत। अच्छी अच्छी चीज़ें डाली है, पालक है, पान के पत्ते हैं, तुलसी है, सारे हल्दी जी दवाई समझ के पी लीजिए। शाबाश 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 से हाँ बहुत बढ़िया। पानी भी साथ में दिए आधा कप बोले थे, एक पूरे ग्लास भर के नहीं होगा, पानी ही तो मिला है। इसको पीने के बाद जो हालत होती है कि पूछिए मत। अब बीच में कंटिन्यू पांडे जी तो कंटिन्यू कर रहे हैं एक महीने से, और बीच में एक दिन आज जैसे इनका मंगलवार था तो आज इन्होंने नहीं लिया, उसके बाद कल आपने लिया था, कल इन्होंने लिया, तो कल मैंने नहीं लिया, कल मेरा व्रत था, तो बस ऐसे ही हो जाता है। जैसे इनका व्रत रहता है तो फिर ये मैं नहीं लेते हैं, मैं लेती हूँ। और इनका ये ड्यूटी ना पांडे जी बनाते हैं, मैं सच बताऊँ ना इनकी तारीफ करती हूँ, यही कर रहे हैं एक महीने से, हर चीज पे केयर यही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ उससे ज्यादा केयर नहीं कर रहे। एक बार आदत लगा देंगे मैडम को फिर मैं आराम से बैठूंगा मेरे में। हाँ लेकिन आज वही था, मैंने खाना पीना बनाया किया क्या खाएंगे पिएंगे, जब खाना प्रति दूसरे दिन आपको लगेगा ना कि हाँ भूख लगी है, कुछ नमक वाली चीजें खाएं, लेकिन ना आप खाना लेके बैठे तो खाया नहीं जाता है। और उसी तरह हुआ, आज मैं चावल लेके बैठी, मुझे खाया नहीं जा रहा। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ पांडे जी ने क्या लाया है। तो पांडे जी ये बॉल लेके आए हैं, 450 का ही। उसके बाद दिखाती हूँ फ्रॉक, कुछ फ्रॉक था आज एक पांडे जी ने ना गए थे दो दिन पहले वीडियो शूट करने के लिए, तो वहां से फ्रॉक लेके आए थे, उसके पहले भी फ्रॉक लेके आए थे, उसके पहले भी लेके आए थे, वो फ्रॉक परी को आया नहीं। और उसके कल परसों भी जो लेके आए थे पांडे जी फ्रॉक परी को, वो भी नहीं आया, छोटा हो गया था। और जो वीडियो शूट करने वो गए थे वहाँ, उसमें से एक वीडियो क्लिप जो था वो उनका डिलीट हो गया था, तो फिर वापस से गए वो शूट करने के लिए, तो वो चलो बोले अच्छा मौका है, छोटा फ्रॉक में रख के क्या करूँगी बच्चों के लिए। ऐसे उनका कपड़ा अच्छा होता है, छोटे बच्चों का जो ड्रेस होता है अच्छा होता है, तो ये दो फ्रॉक था। आपको एक टेप ना एक रील जो आपको मिलेगा वो शायद 30 रुपीज में देता है, वहाँ से 8 पीस लेके आएंगे 100 रुपीज में। बैलून एक ये हाँ जिस कलर में था जिसमें था इस कलर में गोल्डन में। चलती हूँ फ्रेंड, मैं ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ और मैं आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी वीडियो कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए।